हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे चाहते हैं, उन सभी को नमस्कार और प्रणाम। और जो भी मुझसे छोटे हैं, उन सभी को बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर चावल को क्लीनिंग कर रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं मैं इस तरह से चावल क्लीनिंग कर रही हूँ। तो सिंपल तरीके से हम कैसे चावल क्लीनिंग करते हैं, वहीं आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, देख सकते हैं इतना सारा चावल मुझे सफाई करना है। तो हम इस तरह से एक छलनी लिया है, हम इस तरह से इस छलनी में चावल ले रहे हैं, और आराम से सिंपल तरीके से हम इसको निकाल ले रहे हैं इसमें से जो भी है कचड़ा। तो इस तरह से हम इसको चाल लेंगे। चालने के बाद हम इसमें से जो भी छोटा छोटा कण रहता है हम उसको निकाल लेंगे दोस्तों। तो इस तरह करके हम निकाल लेंगे। इस तरह से चावल क्लीनिंग कीजिएगा तो इधर उधर गर्दा ज़्यादा तरफ नहीं जाता है, जो भी धुलकड़ है आराम से इतना ही दूरी में रह जाता है, और चावल भी अच्छे से सफाई हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। तो मेरा व्लॉग आज का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मुझे तो कोई काम करने आता नहीं है दोस्तों, बट कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। और मैं खाना भी बना रही हूँ, और इधर चावल की सफाई भी कर रही हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है दोस्तों, हम चावल को क्लीनिंग कर लिए हैं, तो सफाई कर लिए हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर एक डब्बा क्लीनिंग की हूँ चावल, और एक डब्बा यहाँ पे, और एक बाल्टी क्लीनिंग की हूँ यहाँ पे। तो इतना सारा चावल को मैंने क्लीनिंग कर लिया है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं। और इतना सारा चावल क्लीनिंग करने में मुझे लगभग लग गया है डेढ़ या दो घंटे ऐसे ही लग गए हैं दोस्तों। तो वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरा चावल क्लीनिंग करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो। और भी मुझे काम है दोस्तों, तो मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अब मुझे सफाई करना होगा सारा कचड़े को जो मैंने की हूँ, और पोछा लगाना होगा। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में।